कैफीन कैफे और मैं ट्राई कर रहा हूँ कैरमेल हेजलनट कैपेचिनो ओट मिल्क, क्योंकि ओट मिल्क जो टेक्सचर आता है ना, आई लव दैट टेक्सचर। टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है मिल्क और ओट मिल्क में, पर जो टेस्ट आता है ना, इट्स टेस्ट रियली अमेजिंग। ओट मिल्क के साथ मज़े आता है पीने का। और मैंने ऑर्डर किया है पेरी पेरी पनीर सैंडविच, लेट्स सी उसका टेस्ट कैसा होता है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई पेरी पेरी पनीर सैंडविच। हेजलनट कैपेचिनो कैपेचिनो तो मैंने ट्राई किया है, तो पता नहीं कैसा होगा। मैं मैकियाटो ट्राई कराना था, पर उसमें ओट मिल्क अवेलेबल नहीं था, मैंने कैरमेल मैकियाटो नहीं लेके हेजलनट कैपेचिनो लिया, क्योंकि मेरे को ट्राई करना है ओट मिल्क। यहाँ का ड्रिंक मैंने ओट मिल्क के साथ ट्राई किया है, इधर तो ओट मिल्क के साथ मस्त लगता है। वेट नहीं होता है कॉफी लाइक कैन नॉट वेट हेजलनट कैपेचिनो वेज ओट मिल्क। लेट्स सी इधर का टेस्ट कैसा होता है। मैंने पनीर पेरी पेरी तो इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, बट ओट मिल्क के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैपेचिनो हेजलनट वाला। पनीर सैंडविच आ चुका है, इसका खुशबू अच्छी आ रही है, लग रहा है इट शुड टेस्ट गुड। पनीर पेरी सैंडविच इतना पसंद नहीं आया, बट इफ यू डेफिनेटली ट्राई हेजलनट कैरमेल कैपेचिनो विथ आइस विथ ओट मिल्क, क्योंकि इसमें जो टेस्ट आता है वो अच्छा है। बट अगर आपको सही में टेस्ट चाहिए तब आइस लैटा ट्राई करना। आइस लैटा पे ओट मिल्क के साथ अवेलेबल नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आइस आइस लैटा हेजलनट विदाउट ओट मिल्क, टेस्ट रियली अमेजिंग। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो आपको हेजलनट आइस लैटे ट्राई करना चाहिए, या अगर आपको ज़्यादा क्रीमी फ्लेवरफुल टेक्सचर चाहिए तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कैपेचिनो, क्योंकि कैपेचिनो में फोम और क्रीमीनेस होती है। लाटे में कॉफ़ी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा फ्लेवर भी ज़्यादा इंटेंस आता है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।